त्रिपुरा में टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी पर हुए हमले का विरोध हर जगह देखने को मिल रहा है। संसद में भी इस मुद्दे को उठाया गया था। वहीं आज अब से कुछ देर पहले ही आज जलपाईगुड़ी में टीएमसी यूथ प्रेसिडेंट सेकत चटर्जी के नेतृत्व में जिला कार्यालय में तोड़फोड़ की गई है। यहां लोगों ने अपना गुस्सा दिखाया। तो वही राजारहाट में भी अभिषेक बैनर्जी पर हुए हमले के विरोध में न्यूटाउन चाइना पार्क से तृणमूल ने विरोध मार्च निकाला। राजारहाट न्यूटाउन के विधायक तापस चटर्जी ने न्यूटाउन चिनार पार्क से न्यूटाउन सिटी सेंटर तक करीब 1000 कार्यकर्ताओं के जुलूस का नेतृत्व किया। आपको बता दें कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने अगरतला हवाई अड्डे से त्रिपुरेश्वरी मंदिर जाते समय तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी के काफिले को कई बार रोकने के प्रयास किया। बसे पहले बैनर्जी के काफिले को पश्चिम त्रिपुरा के चारिलाम में रोका गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए सड़क बंद करने की कोशिश की। पुलिस सूत्रों ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी के झंडों के डंडों से कथित रूप से बैनर्जी की कार पर वार किए, लेकिन वाहन को कोई नुकसान नहीं हुआ। गतकाल के हमारे सर्वभारतीय दल साधारण संपादक दल मणि अभिषेक बंदोपाध्याय आक्रमण মানে ত্রিপুরার উপর এই গেরুয়া বাহিনীর যে আক্রমণ, যেটা আমরা বলতাম একটা সাম্প্রদায়িক দল, একটা স্বৈরাচারী দল, তারা বিষয়টাকে করেছেন। এর দ্বারা প্রমাণ হয় 2021 হয়েছে বাংলা তৃণমূলের, 2023 হবে ত্রিপুরা তৃণমূলের, আর 2024 হবে দিল্লি তৃণমূলের। এই প্রতিবাদ প্রতিরোধ আমরা করছি আজকে পায়ে হেঁটে প্রতিবাদ করে। আমাদের জেলা ধিক্কার মিছিল আমাদের জেলা সভাপতি জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের নির্দেশে, মাননীয় প্রবীর কর আমাদের সভাপতি, তার এবং আমরা যৌথভাবে সবাই মিলে একসঙ্গে নেতৃত্ব দিচ্ছি। আপনার আছে আমাদের যুব সভাপতি, সবাই মিলে যুক্তভাবে টোকেন সিম্বলিক আমরা যদি তৃণমূল কংগ্রেস আর নিউ টাউনে সভা থাকি, হাজার হাজার মানুষ হয়ে যাবে।